इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर रामगोपाल यादव, पहुंचे हैं चुनाव आयोग। सर, चुनाव आयोग से आप लोगों की शिकायत क्या थी? शिकायत ये थी कि जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 जगह, वहां प्रशासन को ऐसा पता चला है और तथ्यों से भी सिद्ध होता है कि ये कहा गया है कि किसी तरह से ये चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए हर विधानसभा से 20,000 वोट समाजवादी पार्टी समर्थक जो है उनके काटे जाएं और 20,000 बीजेपी समर्थक के पढ़ाए जाएं। कोई भी वो अधिकारी जिसको ये उन्हें लगता है कि ये समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, उनको न रखा जाए। इस सूची दी है कि किस तरह से एक भी यादव मुस्लिम बीएलओज नहीं रखे गए हैं और इम्पोर्टेंट जो देखते हैं चुनाव को, उनमें इन बिरादरियों के लोगों को हटा दिया। इसकी वजह कहीं ये तो नहीं है आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी की लोकसभा चुनावों के बाद में एक इंटरनल कमेटी बनी थी जिसमें ये पाया गया था कि बीजेपी के वोट काट दिए, अपने कुकर्मों से हारी, अब अधिकारियों पे आरोप लगाएं, ये गलत। साफ तौर पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव जिनका ये कहना है कि वो चुनाव आयोग पहुंचे थे इस वजह से क्योंकि उनको आशंका ये है, उनको सामने ऐसे तथ्य आए हैं कि यूपी में कई विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वहां पर मुस्लिम और यादव जो अधिकारी हैं उनके तबादले कर दिए गए हैं और बीजेपी इसके जरिए चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो भले ही अभी उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ये आशंका जता रही है कि उनके वोट काटने के लिए किए जा रहे हैं इस तरीके के तबादले, और इसी को लेकर पहुंचे केंद्रीय चुनाव आयोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।